हम आज स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेंस एंड प्रिज्म। तो बेसिकली हम आज लेंस के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रिज्म से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बीच की और भी कुछ चीजें हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लेंस। तो अगर लेंस की हम बात करें तो बेसिकली लेंस में क्या है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फॉर्मूले और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले लेंस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो दो फोकस होंगे, ठीक है। अभी तक एक ही फोकस हुआ करता था लेकिन यहाँ पर दो फोकस होंगे, एक होगा फर्स्ट फोकस और अगला होगा सेकेंड फोकस। तो फर्स्ट फोकस जो है और एक होगा सेकेंड फोकस। तो लेंस में दो तरीके के फोकस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। तो जो पहला फोकस होगा उसको हम ऑब्जेक्ट पॉइंट के नाम से जानेंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है ना वो। और जो दूसरा फोकस होगा उसको हम इमेज पॉइंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। मतलब सेकंड फोकस वो होगा हमेशा जो इमेज, यहाँ पर इमेज हमें मिल रही है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि मेन फोकस कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस कौन सा है। तो वी हैव टू रिमेंबर कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये वाला है जहां पर आपकी इमेज पॉइंट है, ठीक है। द इमेज पॉइंट वाला जो फोकस है वही प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर होगा। तो ये चीज हमें समझनी होगी। हम आगे तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे कुछ इमेज फॉर्मेशन रूल्स, कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल्स कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये हमारा सपोज लेंस है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो लेंस है बेसिक, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर से सही है ना, थोड़ा ऐसे। तो ये लेंस है सपोज, और इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मान लो लाइट ऐसे आई है ना, लाइट रे ऐसे आई, तो अब ये पैरेलल आ रही है। तो अब ये जो है कन्वर्स होकर कहाँ पर जाएगी, फोकस से होकर निकलेगी, जो हमारी इमेज बनेगी वो फोकस पर मिलेगी हमें, ठीक है। हम जानते भी है वैसे, है ना, इस तरीके की चीजों को। मान लो ऐसा है कुछ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि हमारी जो रे आ रही है वो आपकी बेसिकली इस तरीके से यहां से, मतलब ऐसे निकल जाएगी ना, ऐसे डाइवर्ज होकर, लेकिन हमें जो इमेज मिलेगी वो यहाँ कहीं मिलेगी फोकस पर, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ और चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लो अगले ही केस में हमने क्या किया, एक फिर से लेंस ले लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, और हमने यहाँ पर फोकस पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनती है, हम जानते हैं, ठीक है। ये अगर हमारा फोकस था, ऐसे ही आपका इसमें कॉनकेव में, यहाँ पर क्या होगा, मान लो आपकी जो रे है वो आ रही थी और ये आपकी ऐसे यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन ये जान वैसे कहाँ जाती है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमें है बेसिकली ऑब्जेक्ट रखा होगा वो कहीं यहाँ पर रखा होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही हम एक और चीज को देखें, हम जानते हैं वैसे जब हमारा सेंटर पॉइंट जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हमारी रे पास होती है तो आपका वहीं से वो वापस भी हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से सीधी निकल जाएगी, या ना डाइवर्ज होगी ना ये कन्वर्ज होगी। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, ठीक है। तो मतलब यहां से अनडेविएटेड होगी, लेकिन बहुत ही कम अनडेविएटेड होगी, हमें दिखेगी नहीं ऑप्टिकल सेंटर से। इसको हम अगर ऑप्टिकल सेंटर कहें तो यहां से जो डेविएशन होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो यहां पर लेंस क्योंकि बहुत थिन है, हम थिन लेंस को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा होगा, ठीक है। अगर ये थिक होता तो ऐसा नहीं होता। अब क्वेश्चन थिक के आएंगे नहीं तो थिन के आएंगे। अब यहां पर आगे आ जाते हैं, रूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अब उसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोकल लेंथ के बारे में, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ। आखिर कि किसी भी लेंथ की जो फोकल लेंथ, किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ हो सकती है वो क्या हो सकती है। पहला केस देखेंगे जब लेंस एयर में रखा हुआ है, लेंस इज इन एयर। अगर लेंस हवा में रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल, तो मान लो यहां पर एयर है, यहां पर इसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर इसकी जो रेडियस है ऑफ कर्वेचर आर वन है, यहाँ पर मान लो आर टू है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वन अपॉन एफ जो आएगा वो आएगा एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफी फेमस फॉर्मूला भी है। तो हमारा जो फोकल लेंथ आएगा इस केस में अगर हमें निकालनी है, तो जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, 1 upon f is equal to n minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. We have to remember it, okay? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे जब लेंस किसी मीडियम में है तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, when lens is in medium.
तो हम यहाँ पर कैसे फोकल लेंथ को निकालेंगे, जैसे मान लो ये हमारा लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो इस लेंस का आपका फोकल लेंथ n है और इस मीडियम की फोकल लेंथ मान लो nm है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो फोकल लेंथ होगी इस मीडियम के अंदर लेंस की वो क्या आएगी, वो आएगी n बाई nm माइनस 1, है ना। n है आपकी लेंस की और nm है आपकी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। बस इतना सा चेंज यहाँ पर आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूले और पहले वाले फॉर्मूले में बस इतना सा अंतर है मीडियम का, ठीक है। तो ये बहुत तेजी सी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, पर ये फॉर्मूले अगर हमें याद नहीं हुए, ऑप्टिक्स में फॉर्मूले याद होना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है, वो तो कंप्लीटली फॉर्मूले पर बेस्ड होती है मॉडर्न फिजिक्स, बट लेकिन ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे ही क्वेश्चन, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर्मूले के बिना नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन काफी कम आएंगे, फॉर्मूले के क्वेश्चन काफी ज्यादा आएंगे, हालांकि फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट दोनों के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, पर लेकिन फॉर्मूले भी हमें बिल्कुल जरूरी है हर चैप्टर के याद रखना, क्योंकि नीट के लिए तो बताएं जो 25% पेपर होता है वो तो ऐसा ही होता है कि मतलब सीधे फॉर्मूले बेस्ड, अगर हमें फॉर्मूले याद हैं सारे चैप्टर्स के तो समझ लीजिए 25% क्वेश्चंस तो हमारे ऐसे ही हो जाएंगे नीट के अंदर स्पेशली, ठीक है। अब बचे हुए 50% होते हैं एवरेज क्वेश्चंस, तो वो जो एवरेज क्वेश्चंस होते हैं उनमें लिटिल बिट कॉन्सेप्ट यूज होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं अभी सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा तो उसमें हम समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, अब हमें इसका एक रिलेशन ध्यान रखना है जो नीट वगैरह के लिए और जेई मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे हम डिवाइड कर दें जो दोनों फोकल लेंथ हमने देखी उनको, अगर हम डिवीजन कर दें मतलब दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा एक रिलेशन बन के आएगा एफ एम बाई एफ एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन अपॉन एन एम माइनस वन। तो ये जो रिलेशन है ना ये डायरेक्टली बेहद काम आता है, हमें कैलकुलेशन करने में टाइम को बचाना सीखना है और उसके लिए ये बहुत यूजफुल है एफ एम बाई एफ एन माइनस वन अपॉन एन अपॉन एन एन एम माइनस वन, ठीक है। दिस इज वेरी यूजफुल रिलेशन फॉर सेविंग आर टाइम, ठीक है। मतलब हमने किया क्या है, हमने दोनों का रेशियो ले लिया है बस, ठीक है, और ये जो 1/R1 माइनस 1/R2 है ये कट गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मैंने स्टार भी लगाया है नीट में भी और जेई में भी और एम्स में भी, ठीक है, सब में। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसको ट्रिक की तरह याद रखो कि भाई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि फोकल लेंथ एयर में दे दी, मीडियम में पूछ लेगा, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी, तो सीधे सीधे इसको लगाकर हम अपना क्वेश्चन आसानी से निपटा ले जाएंगे। लेकिन अगर हमें इसको यूज करना पड़ा तो पहले हमें यहाँ पे सारे इसको निकालना पड़ेगा R1/R1 - R2 को, फिर वहां पे वैल्यू पुट करेंगे कितना लेंथी हो जाएगा, हमें लेंथी करना नहीं सीखना है, हमें जल्दी से करना सीखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो लेंस में इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चंस करने के लिए वो है यू वी और एफ का रिलेशन, ठीक है। क्या है, 1/V - 1/U = 1/F। अच्छा ये जो मैंने एफ लिखा है ना ये कौन सा फोकस है, पहला वाला या दूसरा वाला, तो मैंने बताया था इमेज पॉइंट जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है वही है, ठीक है। जब तक मेंशन ना किया जाए, मतलब इस सारे फॉर्मूले में एफ की जो वैल्यू हमने लिया ना, ध्यान रखना ये वही है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस में, सेकेंड फोकस ही हमारा है ये, ठीक है, जहां भी हम एफ लिख रहे हैं खाली, क्योंकि हमने मिरर के अंदर भी देखा था कि भाई जो फोकस है वो बेसिकली क्या, मतलब जो फोकस होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो वो आपका हम इमेज पॉइंट वाला ही ले रहे थे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है फोकस है, प्रिंसिपल फोकस हमें यहाँ पे लेना है जो इमेज पॉइंट वाला फोकस है, सेकंड फोकस जो है। जैसे हमने मिरर में देखा उसको सॉल्व किया था, इसको v का हम फॉर्मूला लेकर आए थे तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, जो v आएगा वो आएगा यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका साइन कन्वेंशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है और कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। हालांकि मिरर के लिए तो ट्रिक थी कि जिधर पॉलिस उधर पॉजिटिव, जिधर माइनस उधर, मतलब जिधर मिरर उधर माइनस, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है इंसिडेंट रे वाला, कि जिधर इंसिडेंट रे होगी उधर आपको साइन नेगेटिव ले लेने हैं और जिधर वो जा रही होगी उधर के साइन आपको पॉजिटिव ले लेने हैं, ठीक है। हमें बस ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अच्छा यही केस आपका इस वाले मिरर में लेंस में हो जाएगा, अगर इंसिडेंट रे इधर है तो इधर के साइन नेगेटिव ले लो और इधर के साइन पॉजिटिव ले लो, मतलब जिधर भी इंसिडेंट रे जा रही होगी उधर के पॉजिटिव लेने हैं और जिधर से निकल रही होगी उधर के नेगेटिव लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन आते हैं अलग अलग एफ के यू के, तो वो क्या हो सकते हैं ऑब्जर्व करके देखते हैं। चलो
देखो सबसे पहला है फोकस का, है ना, प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं, इमेज पॉइंट की, ठीक है। तो प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, तो हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। प्लस कब लेना है आपको, ध्यान रखना है अगर इंसिडेंट रे ऐसे मतलब आ रही है, ठीक है, तो यहां पर जो अगर प्लस लोगे तो वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ले लोगे, ठीक है, इमेज पॉइंट की बात हो रही है इसीलिए। और माइनस किसके लिए लेना है, माइनस लेना है हमें कॉनकेव लेंस के लिए, क्योंकि उसका जो इमेज पॉइंट होगा वो एट दी एंड आपका डैश डैश करके हमने यहीं पर ड्रॉ किया था, फोकल लेंथ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट के लिए माइनस या प्लस, तो ये तो हमारा यहाँ पर पता ही होता है हमें, ठीक है। माइनस किसके लिए होता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, और प्लस किसके लिए होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, बस हमें ये समझना होगा। यहां पर आपके जो मिरर के साइन थे उससे बस एक अंतर आ जाएगा, ठीक है, और वो अंतर क्या है, वो अंतर ये है इमेज के, इमेज एक बार पॉजिटिव होगी तो एक बार नेगेटिव होगी। कब पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव जब होगी जब इमेज रियल बनेगी, ठीक है, ओके, और नेगेटिव जब होगी जब वर्चुअल बनेगी। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, जबकि पिछले केसेस में मिरर वगैरह में आपका प्लस होने पर वर्चुअल इमेज बन रही थी और माइनस होने पर रियल बन रही थी, यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया कि भाई यहाँ पे रियल है यहाँ पे वर्चुअल है। तो इसका जो रीजन है वो है कि रिफ्रैक्टेड रे अगर दूसरी साइड में जाएगी, ठीक है, इंसिडेंट रे जब दूसरी साइड में जाएगी तो वो रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, तो इमेज वहीं बनेगी जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। तो वो आपकी हमें यहाँ देख सकते हैं कि जो ये वाली रे है वो पॉजिटिव साइड में आएगी और ये वाली आपकी जो है डैश डैश करके हम जब ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव साइड में आएगी। तो हमारी जो वर्चुअल इमेज है वो नेगेटिव में आ रही है और रियल इमेज पॉजिटिव साइड पे आ गई, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। हालांकि हमें तो याद रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाकर देखेंगे तो फिर तो हो गया पेपर, ठीक है, फिर तो गलत हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे गलत होने के। तो फोकल लेंथ, यू और वी, इन सब चीजों को हमें समझना है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैग्निफिकेशन, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। देखो सारे साइन वही हैं, बस एक इमेज का अलग था, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव कब होता था, जब इमेज इरेक्ट होती है, ठीक है, ये हम जानते ही हैं। और नेगेटिव कब होता था, जब आपकी इन्वर्टेड होती है। अच्छा, अब यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि इरेक्ट है तो वो रियल होगी या वर्चुअल, हम ऐसा नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है वर्चुअल भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि रियल होगी कि वर्चुअल होगी, दोनों ही हो सकती है, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, रियल की भी वर्चुअल की भी, ठीक है, वी हैव टू रिमेम्बर इट इन माइंड। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद रियल ऑब्जेक्ट अगर रियल इमेज बना रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो यहां पर ये कौन सा होता है, इन्वर्टेड वाला केस, हमें याद है ना, जब भी सेम सेम साइन तो आपका इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी, ये आपकी ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब भी आर आर है तो भी इन्वर्टेड, वी वी है तो भी इन्वर्टेड, तो इस केस में हमारा जो मैग्निफिकेशन का साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक केस जब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, तो इस वाले केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट रहेगी और आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे समझनी होगी। अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हमें आना जरूरी है, मैग्निफिकेशन के क्या फॉर्मूले हैं। तो देखो मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले हैं वो हैं, अलग अलग तरीके का मैग्निफिकेशन है, जैसे ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, एरियल, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करूं तो ये होता है एच आई बाई एच ओ, वी बाई यू, एफ अपॉन एफ प्लस यू, ठीक है, हमें ये समझना है, मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ, वी अपॉन यू, एफ अपॉन एफ प्लस यू। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा एम एल, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, देखो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लेंथ के अक्रॉस जब ऑब्जेक्ट और इमेज होंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या होगा एल आई बाई एल ओ, अगर वो एच आई बाई एच ओ था तो ये एल आई बाई एल ओ, और या फिर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू, ठीक है। अब यहां पर रिलेशन क्या होता है, ध्यान रखना, ये तो होता है आपका जब ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, मतलब साइजेबल है, नापने लायक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो उस केस में जो एम एल हो जाएगा वो हो जाएगा एल आई बाई एल ओ, लेकिन ये डेल्टा की जगह डी आ जाएगा ना, बहुत छोटे के लिए हम डी वी बाई डी यू करेंगे और ये एम स्क्वायर के बराबर आएगा। अब ये एम क्या है, ये एम है आपका ट्रांसवर्स मैग्नीट्यूड जो अभी अभी हमने यहां पर देखा था, ये वाला, ठीक है,
तो बेसिकली आपका, हमने एक चीज यहां पर देखी कि छोटे ऑब्जेक्ट के लिए जो एम एल आ रहा है वो एम स्क्वायर के बराबर है फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमें यहां पर देखना होगा। अब हम आगे आते हैं एरियल मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो एरियल मैग्निफिकेशन क्या है? ए आई बाई एओ, जो एम स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, देखो जो लॉन्गिट्यूडनल वाला था वो सिर्फ स्मॉल के केस में था, जबकि एरियल मैग्निफिकेशन नॉर्मल केस में है। ठीक है, एम स्क्वायर। अब अगली जो चीज होती है वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेंस में वेलोसिटी के क्वेश्चन आ गए तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आप इसको एक जगह पर लिखते जाएंगे, जितने भी फॉर्मुले मैं बता रहा हूं। ठीक है, जितने भी पॉइंट, जितने भी फॉर्मुले, इन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चन घुमा फिरा कर आने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपकी जो इमेज है वो भी मूव करेगी। लेंस मान लो मूव कर रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की लेंस के रेस्पेक्ट में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? वी आई एल एम स्क्वायर वी ओ एल। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा इमेज की लेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, अगर हम आगे के केस में देखें तो हमारी जो वी आई है वो हो जाएगी एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी ओ। ठीक है, तो ये हम यहां पर कह सकते हैं अगर लेंस रेस्ट पे है तो, है ना। तो वी आई एल मतलब क्या है? इमेज की स्पीड लेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो वी आई माइनस वी एल हो गया इस वी आई एल का मतलब। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मान लो दूसरा केस है, जब ऑब्जेक्ट आपका कैसे चल रहा हो? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज आपकी उल्टी चलेगी। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी, तो जो वी आई होगी वो एम टाइम्स ऑफ वी ओ हो जाएगी। ठीक है ना, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो वो मैं अभी क्वेश्चन आएगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेंस के रिगार्डिंग। जैसे क्वेश्चन है हमारा, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, फोकल लेंथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो कैसे करें? हमारा ये लेंस है, ठीक है, हमें इस लेंस के लिए बताया गया है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी R1 10 सेंटीमीटर है। देखो R1 पेपर में नहीं दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि एक साइड की 10 है, दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा R1 कौन सी है, R2 कौन सी है। तो R1 वो होगी जहां पर इंसिडेंट रे आपकी आ रही होगी। ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे दी गई है, मतलब R1 आपकी ना इस सरफेस की होगी और R2 इस सरफेस की होगी, हमें समझना होगा। ठीक है, अब R1 और R2 के साइन भी हमें यहाँ पर डिसाइड करने पड़ेंगे। अब हम क्या जानते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में? जिधर इंसिडेंट रे होती है उधर के नेगेटिव होते हैं, जिधर जा रही होती है उधर के पॉजिटिव होते हैं, मतलब हमें सारे साइन ऑटोमेटिक यहाँ पे पता चल जाएंगे। अब हमें यहाँ पर बताना क्या है, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ बताना है और वन अपॉन एफ वाला फॉर्मूला हमें आता ही है, तो हमें उसको यूज करके यहाँ पर आंसर लाना है। तो आई होप एक बार ट्राई किया जाए। तो हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो हमारा जो वन अपॉन एफ होता है वो किसके बराबर होता है? एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो वन अपॉन एफ हमारा जो एन है वो है 1.5 माइनस वन, हमारा जो आर वन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? हमारा आर वन 10 सेंटीमीटर है, अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। अगर हम देखें तो आर वन हमारा इधर की साइड आ रहा है, मतलब पॉजिटिव रहा होगा, और आर टू हमारा इधर की साइड आ रहा है, मतलब नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आर वन आपका प्लस के 10 आएगा जबकि आपका आर टू माइनस के 20 आएगा, 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 3/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर। प्लस आ रहा है या माइनस? प्लस आ रहा है, और आना भी चाहिए था क्योंकि कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स लेंस था। ठीक है, तो ये हम यहाँ से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
अगर ये लेंस हम बदल के कॉनकेव कर दें तो क्या होगा, कॉनकेव कर दें तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो 1.5 है, जो R1 है वो 10 सेंटीमीटर है और जो R2 है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, R1 और R2 हमें पता है। ठीक है, हमें बताना वही है फोकल लेंथ। अब ये लेंस चेंज हो गया है, मतलब आंसर तो माइनस में आना है, ये तो हमें पता है, बट आंसर माइनस में तो आएगा, बट लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कितना आएगा। ठीक है, 1/f किसके बराबर होगा, n माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1/r1। R1 यहाँ पर क्या होगा, देखो इंसिडेंट रे हमारी नॉर्मली वहीं से आ रही है, जब मेंशन ना किया जाए तो समझ लेना है ऐसे ही आ रही है, तो R1 ये होगी। ठीक है, मतलब नेगेटिव वाली साइड में, ये वाली साइड पॉजिटिव, मतलब R1 हमारी माइनस 10 हो जाएगी और R2 हमारी प्लस 10 रह जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा फोकल लेंथ का, ये आ जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अलग तरीके की, अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हमारा जो होगा वो फोकल लेंथ, मतलब नॉर्मली फोकल लेंथ पर ही होगा लेकिन मीडियम का कुछ कंसेप्ट का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला तो याद है ही है, तो फोकल लेंथ एक कॉन्वेक्स लेंस का एयर में 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एयर में जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 है, तो आपको फोकल लेंथ उसी का वाटर में बताना है, फोकल लेंथ इन वाटर कितना होगा ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका 4/3 है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, मैंने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है, FM/F इज इक्वल टू N-1/N/NM-1। बस हमें इसको डायरेक्टली यूज करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। एन माइनस वन की अगर हम बात करें तो 1.5 - 1/1.5/4/3 - 1 और हमें f की वैल्यू दी गई है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इरेज करके 10 लिख लेते हैं, तो हमारा fm यहाँ से आसानी से आ जाएगा, बस हमें इतना सा करना था, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो fm का आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए पहली बात तो 40 सेंटीमीटर और प्लस का ही आएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक, अब हम यहाँ पर अलग टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, यहां पर हमारी जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमें बताना है कि इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इमेज की पोजीशन, मतलब वी कैलकुलेट करना है, यू दिया गया है, वी कैलकुलेट करना है, उसका नेचर बताना है, रियल है वर्चुअल है, और मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब उसका क्या रहेगी, उसके मतलब मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, मैग्निफिकेशन बताना है कि कितना मैग्निफिकेशन उसका, तो मैग्निफिकेशन का आंसर हमें यहाँ पे बताना है, पोजीशन बतानी है इमेज की, नेचर बतानी है, मैग्निफिकेशन बतानी है, वी हैव टू कैलकुलेट 3 वैल्यूज हियर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो फोकल लेंथ है वो -20 हो जाएगी क्योंकि आपका कॉनकेव लेंस है, यू हो जाएगा -20। ठीक है, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट, मतलब इधर ही नेगेटिव आपका, इधर ही इंसिडेंट रे रही होगी और इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें निकालना है वी, v का फॉर्मूला होता है uf/u+f, तो -20 - -20 400 और u plus f मतलब -40, आंसर आएगा हमारा -10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी इमेज बनी है वो आपकी माइनस साइड में ही बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगी क्योंकि माइनस इमेज, माइनस का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, जो v है वो 10 है, u है 20, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन, वी, यू, एफ, लाइक दैट सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कई तरीके के हो सकते हैं, पर लेकिन अभी मैं जो कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ वेलोसिटी से रिगार्डिंग। ठीक है, वेलोसिटी के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम अभी वेलोसिटी के क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद आपके लेंस के क्वेश्चन काफी हद तक समझ में आ चुके होंगे। तो क्वेश्चन है आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज से रिलेटेड, मतलब एक कॉनकेव लेंस हमने ले लिया है, ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और हमने क्या किया है यहाँ पर, आपका
चार सेंटीमीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को इस लेंस की तरफ यहाँ पे हमने वेलोसिटी दी है और ये 40 सेंटीमीटर दूर आपका रखा हुआ है। तो क्वेश्चन यही है कि बताओ इमेज की वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी। लेंस रेस्ट पर है मतलब लेंस नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस। अब क्योंकि लेंस रेस्ट पर है तो इसका मतलब हमें सीधे सीधे बस वैल्यू पुट करनी है, बट उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। अब मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, यही यहाँ पर मुद्दे की बात है। मैग्निफिकेशन निकालना आता हो तो हमारा काम अब ऐसे ही हो जाएगा आधा। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालें, हमने फॉर्मूले पढ़े थे मैग्निफिकेशन के, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो मैंने जब मैग्निफिकेशन बताया था तो शायद आपको यहाँ पर ये रहा हमारा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले, एच आई बाई एच ओ वी बाई यू एफ अपॉन एफ प्लस यू। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड हो जाएगा वही हमें यहाँ पर देख लेना है। तो एफ अपॉन एफ प्लस यू वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमारा वैलिड होगा, ठीक है। मतलब वैलिड इन द सेंस हमें डाटा के हिसाब से चलना है, जो भी डेटा हमारे पास गिवन है उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। अब इस क्वेश्चन में एक तो फोकल लेंथ गिवन थी और एक हमारा यू गिवन था, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो दोनों को लिंक कर रहा है, सिर्फ एक ही है, एफ अपॉन एफ प्लस यू, दैट्स इट, वी हैव टू यूज इट, ठीक है। और हमें इसको यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को कर लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये क्वेश्चन था मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा एफ अपॉन एफ प्लस यू। फोकल लेंथ कितनी है, 10 है, प्लस हो गया माइनस, ऑब्वियसली माइनस, क्यों, क्योंकि कॉनकेव है। अच्छा अब अच्छा आप ये कह रहे होंगे कि मैं यहाँ पर, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे बार बार कॉनकेव लेंस क्यों ले रहा हूँ, कॉन्वेक्स के क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कॉन्वेक्स के क्वेश्चन जनरली हमें इजी लगते हैं कॉनकेव के कंपैरिजन में, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमें कठिन लगते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। कॉनकेव वाले मैंने फील किया है कि लोगों को कठिन लगते हैं, तो इसीलिए हम पहले इन्हीं को ज्यादा कर लें, क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉनकेव ज्यादा फर्क तो है नहीं वैसे भी, ठीक है, थोड़े से साइन कन्वेंशंस वगैरह का फर्क है। तो यहाँ पर हमने फोकल लेंथ आपकी रखी -10, ये -10 और आपका जो यू है वो -40। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, +k1/5, ठीक है। यानी कि मैग्निफिकेशन आ चुका है और हमारे पास सारी चीजें है, ये इमेज की स्पीड हमें निकालनी है। तो वी आई लेंस की 0 है, ठीक है, मैग्निफिकेशन हमारी 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25, ऑब्जेक्ट की स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आंसर आएगा इमेज जो है वो 4/25 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रही है, ठीक है। ये प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है, प्लस में आने का मतलब ये है कि ये आपका जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही चल रही है, ठीक है, मतलब इस तरीके से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चल रही है, प्लस मतलब है ना, माइनस आया हो तो मतलब एंटी चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से इमेज की स्पीड आ गई, ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें पता चल गई, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन तो लेंस में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट मेथड वाले, ठीक है, जो मैंने कहा था कि एक डिस्प्लेसमेंट मेथड भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपका जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन है कि डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में वो 100 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट है एक स्क्रीन है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब आपने लेंस को डिस्प्लेस किया 20 सेंटीमीटर से तो दो इमेज हमारी बनेंगी, हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो सेटअप होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, वहां पर हम लेंस को डिस्प्लेस करते हैं और इमेज की हाइट को देख रहे होते हैं। तो ये जो 100 सेंटीमीटर है ये हमारा डिस्टेंस है किसके बीच में, ये हमारा डिस्टेंस है आपका उस लेंस और उस स्क्रीन के बीच में, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा कि आपकी दो इमेजेस बनी, एक 4 सेंटीमीटर की, एक आपकी 9 सेंटीमीटर की, यानी कि मान लो इमेज पहली की हाइट है 4 सेंटीमीटर और दूसरे की है हमारी 9 सेंटीमीटर। अब एक और चीज हमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमें ये माइनस में लेनी है, क्यों, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो उल्टी बनेगी और इन्वर्टेड के लिए हमें माइनस साइन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी लेंस को जो डिस्प्लेस किया है जो एक्स की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ेंगे जहां पर मैंने वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया है तो आपको दिख जाएगा कि x क्या है, d क्या है, i1 क्या है, i2 क्या है। यहां पर हम सीधे उस चीज को समझने, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। तो इस तरीके का हमारा फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो d की वैल्यू हमने रख दी 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 का स्क्वायर कर दो, x है 20, 20 का स्क्वायर कर दो, फिर 4 × 100 कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी डेटा के अंदर, और वो पूछा जा सकता है
कि इमेज की दोनों हाइट है तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आ जाएगी, इमेज की दोनों हाइट का मल्टीप्लीकेशन करना है तो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम माइनस भी लिखते तो भी प्लस हो जाता है, इसलिए कंफ्यूजन होने वाली बात यहाँ पे नहीं रखनी है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ जो है वो हो सकता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बाद आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इमेज, आपको मैग्निफिकेशन पूछा जा सकता है। तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका आप जानते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि पहली इमेज का मैग्निफिकेशन हो जाएगा 4/6, ठीक है। अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आपका जो इमेज है वो उल्टी है, ठीक है, माइनस इसलिए मैंने लगाया है। तो आंसर आएगा -2/3। अब दूसरी इमेज का मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए, -9/6, यानी कि -3/2, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने जो है लेंस के बेसिकली बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कुछ, जो होते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस टाइप के, मतलब सॉरी दो तरीके के लेंस हमने जब एक ही साथ ले लिए तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि वो और भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उससे भी। तो सपोज हमने इस तरीके से एक लेंस बनाया कॉनवेक्स और हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जो 15 सेंटीमीटर है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर सपोज हमारी इमेज बनी है, बेसिकली यहां पर आपको ये आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपको बताना क्या है, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज बतानी है। देखो फाइनल इमेज मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक बार लेंस इमेज बनाएगा, फिर जो लेंस इमेज बनाएगा वो प्लेन मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाली है, और फिर एक फाइनल इमेज हमें मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक बार लेंस काम करेगा, फिर मिरर काम करेगा, फिर लेंस काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आपको निकालना है वो निकालना है बेसिकली फाइनल आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो हमें अल्टीमेटली फाइंड यहाँ पर करना है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है लेंस और प्लेन मिरर के इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, इस टाइप के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले लेंस को डील करना है, ठीक है। तो जो लेंस है उसकी इमेज मान लो यहाँ पर कहीं बनी, ठीक है, मान लो हमने आई वन मान ली, क्योंकि एक बार लेंस उसको बनाएगा। अब लेंस जो इमेज बनाएगा उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, UF/U+F। अब जो यू है वो है -15, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव, -15 + 10, तो आंसर क्या आएगा, +30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर पर बनेगी, ठीक है। हमें क्या पता चला, जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर पर बनी है प्लस वाली साइड में। अब उसके बाद हमें जो है यहां पर देखना है मिरर के द्वारा, हमें इमेज पता चली लेंस की, अब मिरर के द्वारा हमें देखना है। तो मिरर के द्वारा जब हम देखेंगे तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पर है और जो इमेज बनी है वो आपकी यू और वी 30 सेंटीमीटर होगा मिरर के लिए। प्लेन मिरर है ना, मतलब प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी से इमेज बनती है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अगर हमें इतना समझ में आ गया है तो उसके बाद हमारे लिए और आसानी थोड़ी सी हो जाएगी, फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद देखो अब जो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो जो U हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, फोकल लेंथ तो उसका हमें पता ही है 10 है, तो V अब की बार निकालना है तो UF मतलब 30 × 10/U+F मतलब 40, तो आंसर कितना आएगा, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमें चीजें यहाँ पे देखनी, तो हमने अभी लेंस के सारे जो एस्पेक्ट हो सकते थे वो देखने की कोशिश करी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिज्म, और प्रिज्म के बारे में चीजों को समझते हैं। तो प्रिज्म के लिए पहले मैं नॉर्मल सा एक प्रिज्म बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जैसे ए फॉर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, या रिफ्रैक्टिंग एंगल, ओके। और जैसे मान लो ये रे आई इस तरीके से डेविएट हो गई, ठीक है, इसमें आपका ये वाला एंगल हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको, इस वाले को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, ठीक है।
ये यहाँ पर इस तरीके से मान लो हमने मिला दी, ठीक है, हमने x को एक्सटेंड कर दिया, ये वाला एंगल अगर हमारा आर वन है तो इसको हम आर टू कह देते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल हो गए। तो यहां से हम जो देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कुछ रिजल्ट्स, जैसे जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो आर वन प्लस आर टू के बराबर होता है, ठीक है। अगली चीज होती है डेविएशन। तो जो डेविएशन होता है वो आपका कितना होता है, वो होता है आपका I प्लस ई माइनस ए, ठीक है। डेविएशन का मतलब क्या है, इस तरीके से डेविएशन है मतलब आपका, जैसे मान लो ये हमारी रे यहाँ पे ऐसे आ गई, ठीक है, तो ये जानी कुछ ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये कितनी डेविएट हुई, ठीक है, इस तरीके से कितनी डेविएट हुई, उस एंगल को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है देखो, क्योंकि जहां जहां भी रिफ्रेक्शन होता है वहां स्नेल्स लॉ वैलिड होता है, तो स्नेल्स लॉ भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ को भी हम यहाँ कई बार लगा सकते हैं, मान लो इधर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ है और अंदर का कुछ और है, तो हम इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। मतलब क्या होता है, एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर, ठीक है। अब आगे अगर हम आए तो आपका एक होता है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, जो बहुत ही ज्यादा मतलब काफी ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, उसी के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में हम अगर देखें तो मिनिमम डेविएशन की जब भी हम कंडीशन लिखते हैं तो वहां पर आपका आई और ई बराबर होते हैं, इंसिडेंस का एंगल और इमरजेंस का एंगल, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के अंदर जो लाइट रेज होती है प्रिज्म के अंदर वो बेस के प्रिज्म के पैरेलल चलती है, जैसे ये हमारा प्रिज्म है, तो मिनिमम डेविएशन अगर हो गया तो लाइट रेज पैरेलल निकलेंगी इस बेस के, ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है। अब उसके बाद आई और ई हमारा बराबर होगा, ठीक है, ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। हमारा फिर आर वन और आर टू किसके बराबर होगा, बराबर होगा तो ये ए अपॉन टू के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, आई प्लस ई माइनस ए, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो आई है वो हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन टू, वो तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम इसको आई प्लस ई को टू आई लिख सकते हैं, इसीलिए आपका हमने ये लिख पाए हैं, ठीक है। ये मिनिमम डेविएशन होगा तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है ये सब फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं प्रिज्म में एक एक चीज हमें याद रहनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, काफी आसान क्वेश्चन आ सकते हैं कई बार। अच्छा, अब हमारा एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, ठीक है, वी हैव टू रिमेम्बर इट। तो ये हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया, ओके। अब यहां पर हम अगर आगे बढ़े तो एक चीज होती है हमारी थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म को हम ऐसे प्रिज्म कहते हैं जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है जिनमें 10 डिग्री के बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है। तो 10 डिग्री से जब भी एंगल ऑफ प्रिज्म कम दिया है क्वेश्चन में वो थिन प्रिज्म होगा, तो उस केस में जो डेविएशन का फॉर्मूला है वो एन माइनस वन टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। अगली एक चीज होती है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन का मतलब क्या है कि मान लो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कलर में डिस्पर्स हो गई, तो सबका डेविएशन वहां से अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विव ग्योर हमारे हम जानते हैं इस तरीके से सात कलर के बारे में, ठीक है। तो विव ग्योर जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ बढ़ जाती है, और जब हम रेड से वॉयलेट की तरफ आते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा डेविएशन होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है एन माइनस वन ऑफ टाइम्स ऑफ ए, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो डेविएशन ज्यादा होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा किसका डेविएशन ज्यादा होगा, वॉयलेट का, फिर उसके बाद हमारा इंडिगो का, ऐसे करके सबसे कम होगा रेड का, ठीक है। डेविएशन का मतलब आपका इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर एक प्रिज्म बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे अगर ये लाइट आ रही है, अगर ये अलग अलग कलर में यहाँ पर डिस्पर्स हो गई इस तरीके से, तो डेविएशन का मतलब क्या है कि लाइट जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन कितनी मुड़ी है, कौन सी, उसके बारे में बात करा जा रहा। तो ये जो एंगल है ना बेसिकली ये सबसे ज्यादा वॉयलेट के लिए होगा, यानी कि ये नीचे वाली लाइट वॉयलेट होगी, ऊपर वाली आपकी रेड होगी। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पर जैसे हमसे कहा जाए कि कितना एंगल डेविएशन का आएगा वॉयलेट के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी है ना यहाँ पर, ठीक है, और आपका जो भी एंगल ऑफ प्रिज्म है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो एक चीज होती है मीन डेविएशन। मेन डेविएशन क्या है, मेन डेविएशन जो है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट अगर कर दें तो मेन डेविएशन को हम कह सकते हैं डेल वी प्लस डेल आर बाई टू, ठीक है, यानी कि ये कुछ कुछ डेल वाई के बराबर आता है, ठीक है ना। अब यहां पर हमारा एंगुलर डिस्पर्शन की बात करें, है
एंगुलर डिस्पर्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो एंगुलर डिस्पर्शन है ये है क्या, ये डिफरेंस है मैक्सिमम डेविएशन माइनस मिनिमम डेविएशन का, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो थीटा होगा वो होता कितना है, वो होता है एन बी माइनस एन आर टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो थीटा है हमारा वो कितना होता था, एन बी माइनस एन आर। देखो प्रिज्म में अगर हमें ये बेसिक याद हो गए तो हमारा कोई भी फॉर्मूला हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं सारी चीजें इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो ये डिस्पर्सिव पावर है वो ए से ए कट जाएगा, इतनी आ गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज होती है, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जहां पर हमें डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन पढ़ना होता है। तो मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं उसको आप लोगों के लिए। यहां पर देखिए हमने दो प्रिज्म ले लिए, ठीक है। मान लो इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ए वन है, इसका ए टू है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू एंड दिस इज एन वन। तो यहां पर हम देखेंगे तो हमारा पहली चीज होगी टोटल डेविएशन। तो टोटल डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू डेल वन माइनस डेल टू, मतलब डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो टोटल डेविएशन मतलब एक से अगर आपका देखो क्योंकि उल्टे प्रिज्म है, अगर एक उसको डेविएट करेगा सही डायरेक्शन में तो दूसरा उसको अपोजिट में, तो इसलिए मैंने घटाया है टोटल डेविएशन यहाँ पर। तो बेसिकली जो डेविएशन आ जाएगा टोटल डेविएशन वो कितना आएगा, एन वन माइनस वन ए वन माइनस, यही फॉर्मूला था एन माइनस वन इंटू ए, ऐसी इसका, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली जो चीज होती है वो होती है टोटल डिस्पर्शन, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल डिस्पर्शन जो होती है वो होती है आपकी थीटा इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगी एन मतलब देखो एन वन, देखो बेसिकली जो थीटा थी वो हमारी डिस्पर्शन होती थी, जो आपकी मैक्सिमम जो वॉयलेट वाली जो डेविएशन होती थी उसमें से रेड वाली माइनस करते थे। तो ये हो जाएगी एन वन वी माइनस एन वन आर ए वन, ठीक है। और थीटा टू कितना होगा दूसरे प्रिज्म के लिए, एन टू वी माइनस एन टू आर मल्टीप्लाई बाई ए टू, ठीक है। ये हमें रटना नहीं है याद, बस यहीं से हमें चीजों को समझना है। अब एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, पहली कंडीशन टोटल डेविएशन का क्वेश्चन मिल सकता है, दूसरा टोटल डिस्पर्शन का क्वेश्चन मिल सकता है, तीसरा मिल सकता है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा डेविएशन जीरो हो जाएगा, यानी कि एन वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई ए वन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एन टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई ए टू, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझना होगा। आगे अगर हम बढ़े तो अगला जो केस है वो है हमारा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है, यानी कि हमारा थीटा जीरो। तो यहाँ पर थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू कर देंगे, यानी कि एन वन वी माइनस एन वन आर मल्टीप्लाई बाई ए वन किसके बराबर कर देंगे, एन टू वी माइनस एन टू आर मल्टीप्लाई बाई ए टू, बस इतना सा करना है, ठीक है। अगर हमने ये सब चीजें कर ली तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं प्रिज्म के ऊपर कुछ, ठीक है। हालांकि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं उन सब के मैंने बेसिक आपको बता दिए हैं, अगर हमें यही याद रह गए तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं से हो जाएंगे, पर बिना प्रैक्टिस के हमें गलती होने के चांसेस और टाइम कंजप्शन ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है जो भी चीज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में उसकी प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री दो ऐसे टॉपिक, दो ऐसी चीजें हैं जहां पर जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उनमें जो फॉर्मूले हैं और क्वेश्चंस की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें आपको अंतर दिख सकता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना मस्ट होता है। मान लो क्वेश्चन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी प्रिज्म का रूट टू है और जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो सपोज 60 डिग्री है, तो बताओ मीन डेविएशन कितना होगा, ठीक है। मीन डेविएशन कितना होगा ये हमें यहाँ पे बताना है, ओके। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, हमें जो फॉर्मूला है कौन सा वाला लगाना है, वो बड़ा सा जो फॉर्मूला था एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू डिवाइडेड बाई साइन जो आपका यहाँ पर ए अपॉन टू, वो क्यों लगाना है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से ज्यादा है, मतलब ये ऐसा प्रिज्म है जो आपका पतला वाला नहीं है, थिन प्रिज्म नहीं है, ठीक है। तो हमें यहां पर डेल्टा एम फाइंड करना था मीन डेविएशन, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, रूट टू इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन टू, मतलब 60 अपॉन टू मतलब साइन 30। तो यहां से जो डेल्टा एम आएगा वो कितना आएगा, 30 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं प्रिज्म के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और हमारा जो मीन डेविएशन है वो a के बराबर है, तो आप a की वैल्यू फाइंड करें। तो √3 किसके बराबर हो जाएगा? साइन a प्लस डेल्टा m, है ना, a प्लस डेल्टा m मतलब a प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a अपॉन 2। तो यहां से जो आंसर आएगा वो हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है इसको, √3 इज इक्वल टू साइन 2a अपॉन 2, मतलब a बचेगा और नीचे साइन a अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, अब बड़ी दिक्कत हो गई, अब क्या करें? अब हम एक चीज जानते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे टेक्नोमेट्री लगा देते हैं, तो साइन a को हम खोल के क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन a अपॉन 2। अच्छा, ये सब मैंने कहाँ से लगाया? अगर आपने मेरे अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर देखे हैं या बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स देखे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा, मैंने बताया था हाफ एंगल फॉर्मूला, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है 2 साइन थीटा बाई 2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, तो हमने वही यूज करी है, जो साइन ए था उसको साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 मल्टीप्लाई भी 2 कर दिया है। तो इससे हमें फायदा क्या मिला कि ये वाली जो चीज है वो कट गई। ठीक है, अब सिर्फ ये हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई अब की बार, कि हमारा जो √3 है ना, और इधर आपका 2 बचा 2 कॉस ए बाई 2, और नीचे आपका जो बचा कुछ नहीं बचा है, आपका यहाँ से जो कॉस ए अपॉन 2 है यानी कि ए का जो आंसर है वो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी चीजें हैं जो हमें। अब यहां पर हम आगे बढ़े तो और कैसे क्वेश्चंस प्रिज्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो वैसे तो घुमा फिरा कर यहीं से पूछे जाएंगे कि भाई आपको एन निकलवा लिया, फिर डेल्टा एम निकलवा लिया, इस तरीके की चीजें यहाँ पर पूछी जाने वाली हैं, कुछ भी इसमें अलग ऐसा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, बट फिर भी एक अलग टाइप के क्वेश्चन मान लो, तो मान लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल ऑफ प्रिज्म है और ये हमारा 60 डिग्री का यहाँ पर जो है आपका इंसिडेंस एंगल है, ये हमारा √3 हो गया। ठीक है, और इस तरीके से हमें R1 R2 ठीक है और आपका E एंड डेल्टा ये सब फाइंड करना है, मतलब सारी चीजें बता देनी है। तो कैसे बताएंगे, देखो अब हमें पता होना चाहिए कि जो सारे रिलेशन है वो क्या होते हैं। जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो R1 प्लस R2 होता है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 30 है तो R1 और R2 की अगर हम बात करें तो R1 हमारा हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम कहाँ से ला सकते हैं? हम देखो यहाँ पर अपना स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, जो मैंने बताया था ना स्नेल्स लॉ आप लगा सकते हो, तो ये R1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये R2 हो जाएगा। तो हमारा जो साइन आई है वो किसके बराबर हो जाएगा? एन साइन R1। तो साइन आई हमारा साइन 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू साइन R1। तो R1 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये 30 डिग्री अगर होगा तो R2 हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है, तो R2 हमारा 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपकी रे आई एकदम सीधी है। ठीक है, तो यहाँ पर R2 0 है तो मतलब E भी 0 है, क्योंकि जो R2 है वो यहाँ पर E के बराबर। ठीक है, अगर उसमें भी स्लैश रूल लगाएंगे, अगर R2 0 तो E भी 0। ठीक है, तो यहां से हमारा डेल्टा भी निकल आएगा। डेल्टा का फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए। अब आई है 60, ई है 0 और ए है 30, तो आंसर कितना? 30 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपका डेविएशन का एंगल 30 डिग्री है, आई है, ई है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो आई होप ये सब चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने। तो अब यहाँ पर बेसिकली मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज समझ में आई होंगी। ठीक है, अब एक अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो हमने सबसे लास्ट में देखा था, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन। हालांकि प्रिज्म के जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं उन्हीं के आधार पे हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, पर फिर भी हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है, दो प्रिज्म हमने ले लिए, A1 की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है तो N1 की वैल्यू हमारी 1.5 है, तो A2 की वैल्यू हमारी आपकी 8 है तो N2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, और कंडीशन है नो डेविएशन, मतलब हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर है। N1 माइनस 1 A1 किसके बराबर है? N2 माइनस 1 A2 के। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो N2 का आंसर आएगा 11/8।
ठीक है, तो यहां से हमारा जो दूसरा प्रिज्म है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा दैट इज 11/8, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इजिली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से चीजों को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम जो है चीजों को करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, काफी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।